रिपोर्ट्स के मुताबिक द कपिल शर्मा शो के मेकर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये मामला शो के एक एपिसोड से जुड़ा है। एपिसोड में कोर्ट रूम सीन में एक्टर्स को ड्रिंक करते दिखाया गया था। मेकर्स पर कोर्ट के अपमान का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कपिल शर्मा के शो को बेहुदा बताया है, साथ ही कहा है कि महिलाओं पर भी भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। पान मसाले का ऐड कर विवादों में घिरे अमिताभ बच्चन। इस मामले में एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इराडिकेशन ऑफ टोबैको के प्रेसिडेंट शेखर सालकर ने अमिताभ बच्चन को इस मामले में एक लेटर भेजा है। रिपोर्टेडली शेखर का कहना है कि कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि पान मसाले और तंबाकू के सेवन की लत हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, खासकर युवाओं को। मिस्टर बच्चन सरकार के हाई प्रोफाइल पल्स पोलियो कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उन्हें पान मसाला एड कैंपेन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। सलमान खान ने बताया अपने सबसे लंबा चलने वाला रिलेशनशिप। बिग बॉस 15 के स्पेशल इवेंट के दौरान सलमान ने वीडियो के जरिए कहा, बिग बॉस के साथ मेरा रिलेशनशिप शायद अकेला ऐसा रिलेशन है जो इतना लंबा चला है। कुछ रिलेशनशिप अब मैं क्या ही कहूँ, रहने देते हैं। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम की रिलीज डेट को लेकर अपडेट सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हाल ही में एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए महेश मांजरेकर ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में थिएटर अक्टूबर तक खुलते हैं तो वो दिवाली पर फिल्म अंतिम को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र पर आधारित है। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लंदन की गर्मियों को अलविदा और ठंड के मौसम को स्वागत करते हुए दोस्तों के संग कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका अलग अलग अंदाज और मूड में दिख रही हैं। कंगना रनौत ने ईशा फाउंडेशन में जलाए दीप, मां भैरवी की पूजा अर्चना में हुई लीन। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट की। सैफ अली खान ने अपने तीनों बेटों इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और जे अली खान के लिए एक सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सैफ ने कहा कि अगर उनके तीनों बेटे एक्टिंग की दुनिया में आते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उन्हें गलतियां करने से नहीं शर्माना चाहिए और अपने साथी अभिनेताओं से सीखना चाहिए। सैफ ने कहा कि उन्होंने दुनिया में योगदान देने के लिए एक्टिंग को चुना है, इसलिए बिना किसी झिझक के अपना काम करे और उसी पर फोकस करे। तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। फिल्म के लिए तापसी ने तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ट्रेलर रिलीज के बाद तापसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने कुछ ट्वीट्स की फोटोज लगाई है। ये वो ट्वीट्स हैं जिनके जरिए तापसी को उनके बॉडी फीचर्स को लेकर ट्रोल किया गया था। उन्होंने इसे तमाम कमेंट करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, मेरी ओर से आप सबका दिल से शुक्रिया, लेकिन ऐसी कई औरतें हैं जो इस तरह की बातें बिना किसी दोष के रोज सुनती हैं। उन सभी एथलीट्स को सलाम जो खेल और राष्ट्र के लिए अपना खून पसीना देती हैं, मगर फिर भी ये सब सुनना पड़ता है। मल्लिका शेरावत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस और ऐसे हालातों में खुद को उन्होंने कैसे संभाला, इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पिंक विला के साथ बातचीत में मल्लिका ने कहा कि उनकी बोल्ड ऑन स्क्रीन इमेज की वजह से कई मेल एक्टर उनके करीब आने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात सभी के सामने साफ तरीके से रखी और समझौता करने से इनकार कर दिया। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर कल रात हुई पार्टी में हॉट ड्रेस में पहुंची मलाइका अरोरा। ऑल ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर। इस पार्टी में करण जौहर, गौरी खान, अनन्या पांडे, महित कपूर और अमृता अरोरा भी मौजूद थी।